हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज आजकल जो चल रही है वो ये है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है $44 बिलियन में। हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि इलॉन मस्क बात कर रहे हैं ट्विटर खरीदने की, सबसे ज्यादा स्टेक खरीद लिए थे। ट्विटर ने भी पॉइजन पिल एक जो नीति होती है वो अपना ली थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलॉन मस्क बाइज ट्विटर फॉर 44 बिलियन डॉलर्स। इसी के साथ वो कहते हैं कि अब वो ट्विटर को और ज्यादा एक फ्री स्पीच की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो मतलब आने वाला समय ही बताएगा कि ज्यादा फ्री स्पीच की तरफ जाएगा या फिर कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेटाइजेशन से एक तरह से इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं आगे क्या फ्यूचर होता है तो वैसे ही पता चलेगा। उसके बाद इलॉन मस्क ने मजाक में ये भी कह दिया कि अब वो कोको कोला दोबारा खरीदेंगे और उसमें कोकेन दोबारा मिला देंगे। इस पर भी काफी खिल्ली उड़ाएगी। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, व्हाट डू यू फील अबाउट इलॉन मस्क बाइंग ट्विटर? क्या आपको लगता है कि ट्विटर को मतलब ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को जिसे लोग यूज करते हैं अपनी बात रखने के लिए, उसे एक किसी मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास होना कैसा लगता है आपको? आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जो 2 साल में भारत में इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं वो ओवरकम होने में 13 साल लग जाएंगे, यानी कि 2022 चल रहा है, 2035 या 40 तक कहीं जाकर ये जो इकोनॉमिक लॉसेस सफर किए हैं इंडिया ने वो पूरे हो पाएंगे, क्योंकि इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ पैंडेमिक कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। रूटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि टाटा इज प्लानिंग टू मेक 80,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर। हम सबको पता है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स का चलन बहुत ज्यादा चल गया है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं टेस्ला ने अब मतलब जो कॉम्पिटिटर एक तरह से सबको खड़ा कर दिया है अपने अगेंस्ट, तो फिर इलेक्ट्रिक कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और आगे जाके बढ़नी भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली क्लाइमेट के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो टाटा भी इसी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में इंडिया में अपनी एक पहचान बना पाएगा, गिवन दैट कि टेस्ला के इंडिया में आने के चांसेस ऑलमोस्ट अब लग ही रहे हैं। 2015 के बाद अमेजोन ने रिपोर्ट किया अपने सबसे ज्यादा लॉस, जो कि इस साल के 2022 के पहले क्वार्टर में इन्हें फेस करना पड़ा। इसके बाद जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, उनकी वेल्थ में $20 बिलियन का लॉस हुआ है और अमेजोन की जो मार्केट कैप है उसमें $200 बिलियन का लॉस हुआ है। हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी को तो आप सभी जानते होंगे। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स ये बनाते हैं बाय वॉल्यूम। अब इनके बारे में जो न्यूज है वो ये है कि 2022 में भी जितने महीने हो चुके हैं इन्होंने एक भी व्हीकल डिस्पैच नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये बता रहे हैं कि वैसे तो इनकी सेल जो थी वो हर महीने डबल होती जा रही थी, लेकिन एक ग्लोबल चिप शॉर्टेज की कमी काफी महीनों से चल रही है और जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई है और ये वॉर शुरू हुआ है तो सप्लाई चेन में एक मेजर ब्रेक आ गया है। इनके जो सीईओ है सुरेंद्र गिल, उनका ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन पर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हों। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो ये पहले से ही चिप शॉर्टेज थी और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गए हैं उसकी वजह काफी क्राइसिस और हो गई हैं इकोनॉमिक सेक्टर या बिजनेस वर्ल्ड में भी, इनसे इन सब चीजों से कैसे ओवरकम हुआ जाएगा। 19 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है दिल्ली में उसके दाम बढ़ गए हैं ₹102 से। अब इस जो सिलेंडर होगा इसकी कॉस्ट होगी ₹2,355.50। इलॉन मस्क ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी है, क्योंकि इनका कहना है कि काफी लोग इनसे ये एडवाइस मांगते रहते हैं। तो इनका कहना है कि ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आपकी मर्जी या आपके इंटरेस्ट की बना रही हैं। डोंट सेल स्टॉक्स जब मार्केट नीचे गिर जाए, बिकॉज इट इज गोना हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। आप स्टॉक्स उनके तब बेचिए जब आपको लग रहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो काफी नीचे जा रही हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप इस एडवाइस के बारे में क्या सोचते हैं। वॉरेन बफेट को आप सभी जानते होंगे, दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्सियत हैं ये। इनका कहना है कि अगर कोई इन्हें जितना बिटकॉइन है
वो पूरा बिटकॉइन $25 में देने के लिए भी राजी हो जाना तो भी ये बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि खरीदने से फायदा क्या है व्हेन आई विल हैव टू सेल इट बैक टू यू और समवन एल्स। और इसी के साथ इनका कहना ये भी है कि बिटकॉइन कोई भी टैंजिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं देता। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय इस बारे में जरूर बताइए। जीएसटी कलेक्शन है जो भारत का, वो ऑल टाइम हाई हिट हुआ है अप्रैल में विद 1.68 लाख करोड़ रुपीज कलेक्शन। एज वी ऑल नो कि दुनिया में एक सेमीकंडक्टर शॉर्टेज या चिप शॉर्टेज चल रही है, इसी बीच कर्नाटक सरकार ने अनाउंस किया है कि ISMC इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम बेंगलोर में एक पावर प्लांट सेटअप कर रहा है जो सेमीकंडक्टर्स बनाएगा, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। इसी के साथ ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं $23,000 करोड़ यानी कि $3 बिलियन लगभग। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इससे 1500 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनेंगी। सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट हिट है वो इस बार अप्रैल के यानी कि अप्रैल के महीने में 1.83 लाख करोड़ हिट किया है, जो कि काफी सही नंबर है। इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, इंडोनेशिया से एडिबल ऑयल आता था इंडिया में, तो थोड़ी सी तफरी मच गई। इस पर सरकार ने कहा है कि इंडिया हैज इनफ एडिबल ऑयल। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।